इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे फेज में रविवार को डबल हेडर मैच खेले जाएंगे, यानी एक दिन में दो मुकाबले होंगे। डबल हेडर का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में अपने दो मुकाबले जीते हैं। वो इस समय पॉइंट्स टेबल में भी दूसरे नंबर पर हैं। वहीं केकेआर ने भी आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में जबरदस्त वापसी करते हुए अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और केकेआर इस वक्त पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है। डबल हेडर का दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों को आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में अभी तक खेले गए दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी 9 मैचों में 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। उसने अभी तक खेले 9 मैचों में से 5 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं 4 में उसे हार मिली है। वहीं रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने अपने 9 मुकाबलों में से 4 जीते हैं और उसे 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर हैं। कोलकाता और चेन्नई के पहले मैच की बात करें तो आज के मैच में दोनों टीमें प्लेइंग 11 में शायद ही कोई बदलाव करें। दोनों टीमों ने अपने पिछले मुकाबले जीते हैं, ऐसे में इनका विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम ही है। वहीं आरसीबी की बात करें तो आरसीबी भी अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव कर सकती है। पिछले मैच में आरसीबी ने नवदीप सैनी को मौका दिया था, लेकिन वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे।